शक्तिपात के बारे में समझें। शक्तिपात किसे कहते हैं? उच्च कोटि के विचारों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए जिस ताकत की जरूरत होती है, या जिस बहादुरी की जरूरत होती है, जिस हिम्मत की जरूरत होती है, उसका नाम शक्तिपात होता है। जैसे कि आपको यदि मोटरसाइकिल चलाना है, आपको कार चलाना है, तो कार ऐसी नहीं चल जाएगी, उसके लिए पेट्रोल होना, उसमें ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। तो कुंडलिनी से जो है विवेक आया, विचार आया और कार्य करने का हौसला आया, कौन सी बात उचित है, कौन सी बात अनुचित है, वो करने की व्यक्ति के अंदर क्षमता है, और पेट्रोल से शक्ति पैदा हुई, जिसे हम शक्तिपात कहते हैं, उससे व्यक्ति के अंदर एक शक्ति पैदा हुई, तब वो अपने कार्य को कार्य रूप में परिणत करने में सक्षम हो पाता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि जो बात अनुचित है, उस अनुचित बात को करने के लिए वो अपनी शक्ति लगाते हैं। कोई नशा करता है, कोई दारू पीता है और उनकी आदतें छूटती नहीं, दुराचार करता है, तो इन कुसंस्कारों को छुड़ाने के लिए उसके लिए बहुत सारे प्रयत्न करना पड़ते हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी शक्तिपात नहीं होती है, वो कितनी भी पूजा पाठ करें लेकिन उससे उनका कोई लाभ नहीं होता है। श्रेष्ठ कार्य करने के लिए शक्ति चाहिए। यदि आपको कोई श्रेष्ठ कार्य करना है, कोई बड़ा कार्य करना है, तो उसके लिए आपको शक्ति चाहिए। बगैर शक्ति के, बगैर ताकत के आप कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। सिर्फ किताब पढ़ लेने से, किसी के प्रवचन सुन लेने से ये काम नहीं बनता है। यदि आप सोचें कि हम कोई किताब पढ़ लें या कोई प्रवचन सुन लें किसी के, तो उसके हमारे अंदर जो है वो साहस आ जाएगा, वैसा नहीं होता। आपके भीतर, आपके अंदर आपको हिम्मत और साहस दोनों चीज़ों को जुटाना पड़ता है। हिम्मत कहते हैं कुंडलिनी को और साहस कहते हैं शक्तिपात को। तो जब ये दोनों चीज़ें आपके अंतर जगत में जागृत हो जाती हैं, तब फिर आपकी कुंडलिनी जागृत होती है और आपके अंदर जो है, जैसे हम बोलते हैं कि हमारे गुरु के द्वारा हमारे ऊपर शक्तिपात किया गया, यानी आपकी पात्रता जब तक विकसित नहीं होगी, आपके अंदर जब तक आपको आपकी पात्रता नहीं होगी, तब तक आपको ये सब चीज़ें नहीं प्राप्त होती। किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए पात्रता होना उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भगवान के यहाँ पर बहुत सारे कायदे कानून हैं। आप यदि ये सोचें कि हम नित्य जो है भगवान को नहलाते हैं, धुलाते हैं और बहुत सारा भोग उनको लगा देते हैं और सुबह शाम जो है उनके लिए लोभ देते रहते हैं कि आप हमारा ये काम कर देंगे तो हम इतनी माला ज़्यादा जाप कर देंगे या इतने रुपए का हम आपको प्रसाद चढ़ा देंगे, तो भगवान चापलूसी से प्रसन्न नहीं होता है। दूसरा, यदि आप भगवान की पूजा आराधना नहीं कर रहे हैं, तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान इन सब चीज़ों से परे है, उसे इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। जिस प्रकार से कि बिजली है या अग्नि है, उसका आप यदि सही तरीके से उपयोग करेंगे तो वो आपके ऊपर दयालुता करेगी। अग्नि का आप सही तरीके से उपयोग करेंगे तो खाना बनाने में आपका सहयोग करेगी। बिजली का सही तरीके से उपयोग करेंगे तो आप उससे बहुत सारे काम करा सकते हैं, लेकिन उसका यदि आपने दुरुपयोग कर दिया तो फिर वो जितनी दुष्ट हो सकती है उसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। यदि आप अग्नि का दुरुपयोग करेंगे तो पूरे शहर को जला करके राख कर सकती है। इसी प्रकार से बिजली का यदि आप दुरुपयोग करते हैं तो आप की मृत्यु भी हो सकती है, आपका करोड़ों का नुकसान भी हो सकता है। तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हमने अपने जीवन के स्तर को ऊंचा उठाया, हमारे गुरु ने जो हमसे अपेक्षा की, हमने अपने आप के को वैसा ढालने का प्रयास किया। तो जब हमने उसको उस रूप में ढाला, उस सांचे में जब हमने डाला, करस्य वचनम, तब
जैसा उन्होंने बोला हम पूर्ण रूप से उनको समर्पित हो गए, तो उसे हम कुंडलिनी जागरण बोलते हैं। और फिर हमारे अंदर जो हिम्मत आई, जो साहस आया और जो बड़े बड़े कार्य हमने किए, उसे हम बोलते हैं शक्तिपात, कि वो गुरु के द्वारा हमारे ऊपर शक्तिपात हुआ। तो व्यक्ति के अंदर की सोई हुई चेतना को जो जगा देते हैं, जो हमारे अंदर सोई हुई चेतना है जब वो जागृत हो जाती है तो उसे हम कुंडलिनी जागरण बोलते हैं। और जब व्यक्ति अनूठे कार्य कर बैठता है, जो कार्य देखने में असंभव लगते हैं उन कार्यों को व्यक्ति करता है, तो उसे हम ये मान के चलते हैं कि इसका शक्तिपात, मतलब गुरु के द्वारा इसके ऊपर शक्तिपात हुआ, यानी गुरु की इसके ऊपर एक विशेष कृपा हुई है। तो गुरु किसके ऊपर कृपा करता है? जो उसके लायक होता है। एक छोटे से प्रसंग के माध्यम से हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। ईश्वर व्यक्ति को तब तक कोई भी चीज़ नहीं देता जब तक कि वो अन्य चीज़ों पर निर्भर होता है, जब तक उसकी उसके ऊपर कोई श्रद्धा नहीं होती है। इसलिए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहला ये श्लोक लिखा है कि भवानी शंकर मंदे श्रद्धा विश्वास रूपणों। भवानी शंकर कौन है? ये श्रद्धा और विश्वास है। तो जब तक आपकी श्रद्धा और विश्वास किसी के ऊपर नहीं रहेगा तब तक ईश्वर आपकी मदद नहीं करता है, तब तक आपको ये सब चीज़ें प्राप्त नहीं होती हैं। घटना ऐसी है कि एक बार भगवान कृष्ण भोजन कर रहे थे, रुक्मणी पंखा झल रही थी, अचानक वो उठे और दौड़ते हुए बाहर को दौड़े। तो रुक्मणी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी अच्छे खासे बात कर रहे थे, भोजन कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और अचानक कहाँ दौड़ पड़े। थोड़ी देर के पश्चात वो देखती है कि वो फिर आराम से बैठ करके भोजन करने लगे, जैसे कि मानो कुछ हुआ ही नहीं। तब उन्होंने पूछा कि महाराज आप अचानक इस तरीके से दौड़ते हुए गए जैसे कहीं आग लग गई, और फिर आकर के बैठ गए मुस्कुराने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बोले नहीं देवी, ऐसा कुछ नहीं। बोले कुछ तो हुआ। बोले हाँ, रास्ते में एक मेरा जो है भक्त मेरे गीत गाते हुए आ रहा था, लोग उसको पत्थर फेंक करके मार रहे थे, तो उसके बचाने के लिए मैं दौड़ा। तो बोले फिर आप बगैर बचाए कैसे आ गए? बोले लेकिन जैसे मैं उसके पास पहुंचता, उसके पहले उसने अपने बचाव के लिए एक लाठी उठा ली थी। तो जब मैंने देखा कि जब उसने लाठी उठा ली तब मेरा क्या काम है, तो मैं वापस आ गया। द्रौपदी को भी भगवान ने तभी सहायता की जब उसने उसे उन्हें पुकारा। तो ईश्वर किसी भी चीज को तभी देता है जब उसके ऊपर आप पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं। जब आप अपने इस बाहर जगत के मन को निकाल करके फेंक देते हैं और जब आप गायत्री की साधना में अंतर तल में जाते हैं और आपके अंदर का जो विवेक जागता है, और जब आपको समझ में आता है कि हम इस दुनिया में, इस जगत में किस कारण से आए, जिस प्रकार से कि पूज्य गुरुदेव का विवेक जागृत हुआ और उन्होंने वो सारे कार्य कर दिए जो इस दुनिया में कोई नहीं कर पाया, तो वो कैसे हुआ? उनके अंदर का विवेक जागा। किसने जगाया? उनके गुरु ने जगाया। क्यों जगाया? क्योंकि उनकी कुंडलिनी जागृत हो गई। और जब व्यक्ति की कुंडलिनी जागृत होती है तो फिर गुरु के द्वारा वो शक्तियाँ उसे प्रदान की जाती हैं जिनके द्वारा वो उससे कार्य कराना चाहता है। आप सोचें कि ऐसी आपको वो शक्तियाँ प्राप्त हो जाएं, ऐसी आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाए, तो आप अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति की कुंडलिनी जागरण नहीं होती है, उसी की होती है जो लोभ मोह काम क्रोध इन सब चीज़ों से परे हो जाता है। बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे जिसमें मेडिटेशन बताया गया है कि किस प्रकार से हम ध्यान करें, किस प्रकार से कुंडलिनी जागरण करें और किस प्रकार से मूलाधार चक्र से वो उठ करके हमारे आज्ञा चक्र के पास आती है और फिर किस प्रकार से वो चमत्कार दिखाती है। ऐसा नहीं, उसे आप
दूसरे तरीके से समझेंगे तो आपको बात समझ में आएगी, जो पूज्य गुरुदेव ने समझाने का प्रयास किया और उन्हीं के शब्दों को हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके अंतर जगत में जब आप प्रवेश करते हैं और जब आपके अंदर का विवेक जागता है, जैसे कि शंकराचार्य का जागा, रामतीर्थ का जागा, विवेकानंद का जागा, बुद्ध महावीर का जागा, तब आपके अंदर वो क्रिया घटती जिसे कि कुंडलिनी जागरण बोलते हैं। और जब आप बड़े बड़े ऐसे कार्य कर जाते हैं जो साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, असाधारण व्यक्ति ही कर सकता है, तो पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन में ऐसे ऐसे काम किए जो कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता था। गायत्री मंत्र ब्राह्मणों के अलावा कोई नहीं जप सकता, इस धारणा को उन्होंने, इस मिथ्या को उन्होंने खत्म किया। गायत्री ब्राह्मणों की कामधेनु है, तो उन्होंने बताया कि किन ब्राह्मणों की कामधेनु है, जिन्होंने अपने आप को ब्राह्मण बना लिया उनकी निश्चित रूप से गायत्री कामधेनु है। महिलाएं गायत्री मंत्र नहीं जप सकती, उस भ्रांति को उन्होंने तोड़ा। हर व्यक्ति को उन्होंने यज्ञोपवीत पहनवा दिया। तो उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी क्रांति की जो आज के युग में यदि कोई व्यक्ति करने की अब यदि सोचे तो वो कल्पना मात्र लगता है। तो ये कब संभव हो पाता है, जब व्यक्ति की कुंडलिनी जागरण हो जाती है तब हो पाता है ये सब चीजें। और जब गुरु की कृपा, अनकंपा, जिसे हम शक्तिपात कहते हैं, तो ये सब चीजें कब होती हैं, जब व्यक्ति का विवेक जागृत होता है तब कुंडलिनी जागरण होती है। और जब व्यक्ति समर्थवान बन जाता है, ऐसे ऐसे कार्य कर बैठता है जो हर किसी के बस की चीज नहीं है, तो समझो कि उसको गुरु के माध्यम से उसका ऊपर शक्तिपात हुआ है। आशा मित्रों, यह हमने आपको बताने का प्रयास किया कुंडलिनी जागरण व शक्तिपात के बारे में। आपको यह एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा और यह जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभप्रद भी होगी। काफ़ी लोगों की बहुत पहले से जिज्ञासा थी कि आचार्य जी आप इसके बारे में भी वीडियो बनाएं, तो हमने इसके बारे में वीडियो बनाया। और यदि आप लोगों को हमारे चैनल पर नित्य जो हम वीडियो डालते हैं और आप यदि हमारे विचारों से सहमत रहते हैं और आपको हमारे विचार अच्छे लगते हैं, तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको शेयर करना चाहिए ताकि बहुत सारे लोग इसका लाभ ले सकें। और जो लोग नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और उन्हें लगता है कि इस चैनल के माध्यम से वो बहुत कुछ चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर वो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो उनके पास तक पहुँच सकें और वो उनसे वंचित ना रह सकें। इन्हीं कामनाओं के साथ में मित्रों, कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।